हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ब्लॉक्स टू मेक थिंक। जैसे कि वैलेंटाइन डे वीक स्टार्ट हो चुका है, सभी के मन में प्यार की बातें चल रही हैं और खास करके उन लोगों के मन में चल रही होगी जिनकी सगाई हो चुकी है, शादी शीघ्र होने वाली है। वैसे तो प्रेम में कभी कोई परीक्षा नहीं लेनी चाहिए, कभी अपने प्रेमी को परखना नहीं चाहिए, पर हर लड़की के मन में ये विचार तो रहता ही है कि शादी के बाद उसका पति उसके साथ कैसा व्यवहार करेगा। क्या आज सगाई के बाद जिस तरीके से सॉफ्टली वो मुझसे बात करता है, शादी के बाद भी उसका व्यवहार वैसा ही होगा, बदलेगा तो नहीं? यदि आपके मन में भी कुछ ऐसे ही प्रश्न चल रहे, तो आज इन सारे प्रश्नों के उत्तर देने के लिए मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक बताने जा रही हूँ, जिसके माध्यम से आप जान जाएगी कि आपका होने वाला पति शादी के बाद आपके साथ कैसा व्यवहार करेगा। फ्रेंड्स, ह्यूमन साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग और इंडियन मैन साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग किसी भी व्यक्ति का अपनी पत्नी के प्रति जो स्वभाव होता है, उसका आधार होता है उस व्यक्ति का अपनी माँ के साथ संबंध। वह जिस प्रकार से अपनी माँ के साथ संबंध रखता है, जो व्यवहार उसने अपनी माँ के साथ रखा है, जो अनुभव उसने अपनी माँ से लिए हैं, उन्हीं अनुभवों के आधार पर वह अपनी पत्नी के साथ में व्यवहार करता है। उदाहरण के तौर पर, यदि उसने हमेशा से अपनी माँ को बहुत रिस्पेक्ट दी है, तो वह आगे आपको भी बहुत रिस्पेक्ट देने वाला है। यदि वह अपनी माँ को रिस्पेक्ट नहीं देता है, तो वह आपको भी रिस्पेक्ट नहीं देगा। अक्सर लड़के वैसे तो माँ के लाडले ही होते हैं, परंतु फिर भी कुछ केसेस होते हैं जहाँ पर लड़के माँ के लाडले तो होते हैं, परंतु माँ को उतनी रिस्पेक्ट नहीं देते जितना देना चाहिए। वह हमेशा माँ के प्रेम को अपना हक समझते हैं, परंतु उनके प्रति अपने दायित्व को निभाते नहीं है। ऐसे लड़के आपके प्रेम पे भी अपना हक समझेंगे, परंतु आपके प्रति उनका दायित्व कम रहेगा। वहीं यदि लड़का अपनी माँ को उतना ही प्रेम करता है जितना कि उसकी माँ उससे प्रेम करती है, उतना ही आदर और सम्मान वो अपनी माँ के प्रति रखता है, तो वह आपको भी उतना ही आदर और सम्मान देगा। अब मैं तीसरा पहलू बताती हूँ। जैसा कि आजकल देखा जाता है कि हर घर में एक ही संतान होती है, इस कारण से कई बार लड़कों में अपने माता पिता के प्रति कर्तव्य भाव बहुत ज्यादा होता है। याद रखें, किसी भी रिश्ते में जब प्रेम भाव अधिक होता है, तो उस रिश्ते में मधुरता बहुत बनी होती है, परंतु यदि माता पिता के प्रति प्रेम भाव से ज्यादा कर्तव्य भाव उत्पन्न हो जाता है, तो वह किसी लड़के के लिए उसकी पत्नी के प्रति दायित्व को कम कर सकता है। अर्थात आने वाले भविष्य में भी वह अपनी पत्नी से ज्यादा अपने माता पिता को महत्व देगा, और इस कारणवश कभी कभी वह अपनी पत्नी को वह नहीं दे पाएगा जिसकी इच्छा वह रखती है। पत्नी की हर मनोकांक्षा उसके लिए द्वितीय होगी और उसके माता पिता की कर्तव्य निष्ठा उसके लिए पहले होगी। इस बात के लिए आपको हमेशा सावधान रहने की आवश्यकता है। इस सिचुएशन में लड़की को इस चीज के लिए प्रिपेयर होने की भी आवश्यकता है कि आज अनेकों कार्य ऐसे होंगे जो लड़का अपने माता पिता का हाथ बटाने के लिए, उनकी जिम्मेदारियां कम करने के लिए उनके लिए कर रहा होगा, परंतु शादी के बाद यह कार्य वो आपको सौंपने के लिए अपेक्षित होगा। इसीलिए आपको भी वो कार्यभार उठाने के लिए पहले से सज्ज होना होगा। फ्रेंड्स, एक और मुख्य पॉइंट है जिस पे आपको गौर करना बहुत जरूरी है। जब आप अपने मंगेतर से बातचीत कर रही हो, तब एक चीज का विशेष ध्यान दीजिए कि वह अपनी माता के प्रति कैसा अनुभव करता है। यदि वह हमेशा अच्छा फील करता है, तो ठीक है, परंतु यदि कभी आपको ऐसा लग रहा है कि वह अपनी माता के प्रति नेगेटिव फील कर रहा है, तो एक बार माता के स्वभाव को भी जांचिए। यदि आपको लगता है कि माता का स्वभाव वैसा नहीं है जैसा आपका मंगेतर आपको बताता है, तो ये बात समझ लीजिए कि वह अपनी माँ को ही मिसअंडरस्टैंड कर रहा है। और जो व्यक्ति अपनी माँ को ही नहीं समझ सकता, वह अपनी पत्नी को भी नहीं समझ पाएगा। तो इस बात पर विशेष ध्यान दीजिएगा कि जो आपको नहीं समझ पाएगा, उसके साथ आपको जीवन बिताना थोड़ा सा मुश्किल होने वाला है, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग हर रिश्ते के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। आपको आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट में लिखिए। साथ ही अगर आपके कोई सुझाव है तो वो भी आप कमेंट में ज़रूर लिखिए। और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है, तो इसे ज़रूर से लाइक शेयर करिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करिए, और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाइए। धन्यवाद।